गर्मी है। मई में जब बारिश हो रही थी, अप्रैल के लास्ट में लोग ये सोच रहे थे कि ऐसे रिजाई उड़ के सो गए, उन्होंने पता था बम फटी गया। चब्बी आ गई है दोस्तों, पानी की बोतल रख ली भाई, अंशी भी चल रहा है साथ में अपनी साइकिल लेके, और अम्मा जी ने यहाँ अपनी बाल्टी साफ कर दी है इसी के साथ। मंशी रुक जा भाई, स्टार्ट कर लूँ कदियों दोस्तों कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे गेट खोल दिए गए तो ट्रैक्टर नहीं स्टार्ट हुआ, फिर दूसरा स्टार्ट करा तो वो भी नहीं हुआ, तीसरा करा तो वो भी नहीं हुआ, और जैसे ही गेट बंद करे तो फिर हो गए। कोई ऐसा ही डिफेक्ट हो रहा होगा, छोटा मोटा अभी छेड़ता रहता है। लेकिन दोस्तों बात मजाक की ये बन गई कि होती है दिक्कत है। वाह क्या शानदार आवाज है, चले चलते हैं लेकर आगे। चलो जी दोस्तों, अंशी अब आगे निकल गया है, और ये देख के अंकित भाई ने सुबह एक बहुत तकड़ा कल्टीवेटर चलाया 5:30 बजे आके इस खेत में, साथ के साथ ही लंबे डब मैडी मारी इसमें, और अब थके थकाए कटड़े से शाम को ला के फिर से काम जोड़ दिया है। ये देखें तो दोस्तों, इन्होंने अपना कटड़ा सेट कर लिया था, जल्दी मेहनत कर ली थी सर्दियों में इसके साथ में, तो ये सर्दियों से फिर गन्ने डालने लगा था थोड़े थोड़े। और जो अंकित के पापा हैं हमारे चाचा जगपाल सिंह, ये थोड़े सख्त माने जाते हैं कटड़ों के मामले में, थोड़ा गोर भी बढ़िया करते हैं और सख्त भी रखते हैं। तो देखो शाम को भी कटड़ा, सुबह जुताई करके फिर शाम को भी कटड़ा जुताई करना आ गया। तो दोस्तों अपने पास में अगर साधन हो तो ऐसी बात नहीं, काम चल जाता है किसान का। और हम जो है 36 तरह की युक्ति बिढ़ा रहे हैं कि कहीं से पावर टीलर हाथ लग जाए, ये हो जाए वो हो जाए, और टीलर से जुताई कर लें, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो दोस्तों ये चीज़ें तो फिर बाद की हैं। और इधर देखें कितना ज़्यादा, तो मोनू भाई का जो गन्ना था 0.18 बहुत बहुत गजब हो गया था। लेकिन बहुत खतरे की बात ये हो गई है कि यहाँ तादाद इनकी बढ़ती जा रही है, और मैं तो हिम्मत मान रहा हूँ छोटू भाई की और मोनू भाई की कि ये अभी ना कुछ कहते भी नहीं, तो पता नहीं दोस्तों क्या होगा क्या नहीं। और बढ़ते जा रहे हैं, आज 2-3 बछड़े और भी नए आए हैं बड़े बढ़िया पकड़ने लायक है, लेकिन किसान भाई बिल्कुल भी इन्हें पालने के और पकड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि दोस्तों किसान के घर में पशु और दूध कम होता जा रहा है, और यही वजह है कि पशु प्रेम बिल्कुल धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। तो ये देखें बिजली फिर दोबारा से आई नहीं, और ये फिर रही गया इधर। और मिंदर से कई बार कहा कि सफ़ेद फूल के पेड़ उखाड़ दे, लेकिन दोस्तों उसने बारिश के बाद भी उखाड़े नहीं, अब ये मुझे ही लगना पड़ेगा। और कल फिर दोबारा से ये खेत पूरा चौपा चौप भरना पड़ेगा, और जैसे ही फिर ये जुताई आएगा तभी से फिर जुताई होगी, इतने घास इसमें भरपूर मात्रा में चढ़ जाएगी। तो ये देखें इधर जो सिंगल आँख का था वो पिट गया गन्ना ये, और फिर यहाँ से शुरुआत होती है। ये जो यहाँ से देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 कूड़ दोस्तों पेंडे वाले थे, बाकी इधर आँख का था। तो इसमें पेंडे वाले में एक बिलांद ऊंचाई का भी फर्क है उधर से, तो हमारे चक में जो है पेंडा पास हुआ है, सिंगल आँख हमने फेल कर दी है कि सिंगल आँख हमारे यहाँ नहीं चल रही है। पेंडे का गन्ना हमारे यहाँ ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है, तो अब जैसे सिंगल आँख वाला सिस्टम ख़त्म करेंगे और पेंडे वाला सिस्टम रखेंगे। तिवरसी भी ये बढ़िया होगी है। और इधर देखें अंकित भाई का, 2 मिनट ट्रैक्टर रोक के ये दिखाएंगे आपको किस तरह से कड़ा कल्टीवेटर चला रहा है। चल भाई सिम थोड़ा सा साइड में को हो जा, तो दोस्तों इसे साइड में खड़ा करके यहाँ चुनरिया बार 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 बहुत बढ़िया। ओहो दोस्तों इसमें पानी भर रहा है, ये पानी इसमें तिबरसी में ना चला के उसमें चलाना था हमें। ये देखें दोस्तों इस पर से उतर लिए हैं, गेट रिड ऑफ। तुमने तो ऐसा दम भी ना दुआया ऐसा क्या मेरे यार, यो गर्री पा रहा हम तो तोड़ के फेंक दिया कटड़ा। तो दोस्तों 5 का कल्टीवेटर है और बहुत बढ़िया पटड़ी, अब इसमें मैडी सवेरी को मारियो, हाँ ओसी मारियो सवेरी को। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना बेहतरीन भान जो कटड़ा पहली बार में बना रहा है, और इसकी यही तरकीब होती है कि ये जो गहराई है जहाँ पेंडा पड़ा है इसे नरम पे ही मैडा लगाना पड़ता है, फिर ये अंदर ही अंदर वेंटिलेशन होकर
उग जाता है और ऊपर जो है घास दिखाई नहीं देती। और करीब जैसे कोर दी है बो के गन्ना, एक दो तीन तीसरे पानी पे जो है ये बिल्कुल बहुत बढ़िया उगका आएगा। बराबर वाला आज पप्पू ने खोद दिया है, पप्पू बफावत ने, बहुत बहुत शान। अब कचड़ा मुड़ेगा, एक वो देखे राहुल भाई का, राहुल भाई पवरसा वाले का, देखिए ये दोस्तों, ये वो कचड़ा है कि जिस वीडियो का टाइटल ये था कि कौन कहता है कचड़ों का शौक बर्बाद करता है, तो ये अपने घर का ही कचड़ा पालते हैं और हर साल ज़्यादातर ये एक कचड़ा सेल कर देते हैं। ये बहुत लंबाई ऊंचाई के साथ में गन्ने भी डाल ले इसने बहुत सारे, शायद ये दो ही दांत होगा अभी। बहुत बढ़िया चल के जाता है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत लंबाई ऊंचाई के साथ में बहुत अच्छा कचड़ा है, बहुत बढ़िया चलता है। तो दोस्तों जैसे उधर से कट्टम जोत रहे हैं, तो जैसे दोबारा आ रहा है इसमें चाचा जी, राम राम। तो जैसे दोबारा ला रहे भान बढ़िया बन रहा होगा, पर वो है फिर खुडों पे मिट्टी ज्यादा आ जाएगी दोबारा चलाने से, कोई ना ये तो बहुत बढ़िया जुताई हो रही हल्की हल्की। तो अंकित अभी चार दांत है, दो है चार दांत, बहुत बढ़िया। दोस्तों ये जो था मोनू भाई वाला जो राजस्थानी था उसका है ये कटड़ा, और बहुत बहुत बढ़िया इसने काम करा, बहुत ही बढ़िया गन्ने डाल दिए। और अब आगे देखें कल्टीवेटर से कितनी शानदार जुताई। हाँ यो कहाँ कहाँ आयो? अच्छा यो कुटेसरा वाला भी दाबना पड़ रहा, अच्छा पकड़ नहीं करता जमीन में। वैसे मैंने एक बात देखी भाई, कहीं का कैसा ही नाम हो कल्टीवेटर की भी पकड़ की बात है ढलाई की, किसी की ढलाई बढ़िया हो जा अरे कोई कोई दाबना पड़े, और छोड़ जबकि होना चाहिए ऐसा कि कल्टीवेटर ठाना पड़े छोड़ने के बाद। हाँ जी तुम सही कह रहे हैं, और हमारे तो चाचा वे चल रहे हैं, वो पुराना ही, हमारे तो इससे दुगना बड़ा, वो बैलों का वो खानपुर वाला जो नहीं राजपुर वालों ने बाद में बनाने शुरू करे थे, हमारे वे हैं वे पुराने बैलों वाले, तो ये हमारे ये तीन चार थे परिवार में, तो ये सबसे जो ढाल चल रहा था हमारे वाला चला था, हमने आज भी वो खोया नहीं, वो तो एक बार उससे उसकी तरह। हाँ नहीं वो तो मैंने बात का जिक्र कर दिया, मगर सवेरी धर के पेल ला इन्होंने ना, वैसे ही मैंने देखा यो अकड़ाट पकड़ाट मानता ना, यो कटड़े की बात हो, और वैसे हिलाने की भी है, अगर शुरू से ही कैडा करके हिला देना अंगे थे तो फिर कटा मैंने देखा मानता ना कुछ भी। और थारे वाला कहाँ है? अच्छा वो छोटा जो तीन का, अरे तो ये तो मुझे लगा तेरी दही तोड़ लेगा। हाँ बैलेंस भी बनाना पड़ रहा, सही कह रहा भाई, बिल्कुल पकड़ नहीं कर रहा खुडो में। अरे मैंने कह रहा कल्टीवेटर तो जैसा कड्डा समझदारी से चल रहा है ना, कल्टीवेटर तो एक हाथ से चल जा। हाँ यो अब भी नहीं चल पा रहा, बिल्कुल सही कह रहे, लिक्की छोड़ रहा, आथरे को पकड़े है खुरपो की, नहीं भाई खुरपे तो पूरे, इसमें खुरपो की तो कमी हो नहीं रही है, मुझे ऐसा लग रहा इसमें जो है ना सुराख नहीं तो ये खुरपे छोटे हो गए, खुरपे घिस गए, खुरपे पलटे जाने चाहिए आगे से खुर। हाँ बिल्कुल सही कह रहा, पहिया ज्यादा खड़ा कर रखा। अब यो है भैया हर खेत की मट्टी का भी फर्क हो, अगर यो ही कल्टीवेटर रोसले खेत में चले ना रेत में तो यो ज्यादा पकड़ करेगा। अब देख हिंकू आगे देख कैसा चल गया, तो यही है भाई, मैंने देखा उसी कंपनी का माल बढ़िया निकल जा और उसी कंपनी का खराब निकल जा, इस पीस की बात है। चोट की कहां चोट लगी, कैसे लोहे की ढलाई हो रही है। तो आपने देखा बहुत बहुत बढ़िया जुताई कर रहा है, और सुबह इसमें जोत के गए थे लेकिन अभी इसमें मैडी जो है सुबह को लगेगी, अभी इसे जोत के जाएंगे। उधर ट्रैक्टर खड़ा है, चले चलते हैं आगे कार्रवाई आपको दिखाते हैं, गन्ना खोदते हैं, थोड़ा सा रह रहा है। सब आ गए हैं, इसलिए चलते हैं फटाफट, अंशी को इतने ट्यूबवेल की ताली दे देते हैं, मैंने इसे लेट करवा दिया। अरे आ लिया भैया आ लिया, राम राम जी। Thank you.
ओहो बहुत डल रहा, सारा गोबर खिंडा देगा, थम नहीं रहा, हराम ज्यादा। चलो थोड़ा सा दोस्तों आगे ले लेते हैं इसे। ऊंची नीची हांडू, पापा जी वहां से मेरा शॉट ले रहे हैं, गुस्ताखी कर रहा हूं उसकी, पूरी रिपोर्ट ली जा रही है। दोस्तों यहाँ लाकर बंद कर दिया, पहले जो है फटाफट ये पल्ली साफ कर देते हैं, बाजरा तो चलते हुए भी काट लेंगे क्योंकि बबलू भाई काम से चले गए हैं। और दोस्तों शाम का कोई टाइम नहीं होता, इसमें 36 तरह के काम रहते हैं कि अगर जब मैं आया था, जब भी अगर मैं ट्रैक्टर लेकर आ जाता, लेकिन मैं जल्दी की वजह से आ गया कि कुछ खूट रह रहे होंगे तो उन्हें भर देंगे दोबारा, लेकिन बिजली धोखा देगी आज फिर बिजली जो था जल्दी, कल 3:30 बजे गायब हो गई थी, फिर बीच में गायब रही वो। तो इसी तरह से होता है दोस्तों, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता बिजली चोरों का। बाकी अगर किसान भाई या कोई परिवार भी अगर चला रहा है थोड़ी बहुत, तो उस पर दुनिया भर के, किसी पे 1 लाख का चलान, किसी पे 10 लाख का चलान, किसी पे 50-60 हज़ार के, 1 लाख के तो आराम से काट देते हैं बिजली वाले। लेकिन अगर बिजली वाले बिजली चोरी कर रहे हैं तो कोई सजा नहीं है इनके लिए, इस पर भी अपने विचार जरूर दें। आज देखें आप, वो खेत रह गया तो इन दिनों में ज़्यादा ज़रूरत रहती है पानी की, बिजली पूरी चलनी चाहिए। अगर 10 घंटे की बिजली है तो कम से कम 9 घंटे तो चले, लेकिन ये 8 घंटे भी, 12 घंटे बोल गए, 8 घंटे में भी बस मुश्किल से 4 या 6 घंटे बिजली चला रहे हैं। तो दोस्तों देखें, छोटे छोटे खेत हैं, ऐसे तो कोई 100-100 बीघे के फार्म नहीं है, लेकिन इनमें भी डोल जो लगा रखी है और जो क्यारे बना रखे हैं, हमें पता है इन दिनों में ज़रूरत रहती है, लेकिन इन्हीं दिनों में बिजली चलती नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। दोस्तों अंधेरा हो गया और मच्छर इस तरह से परेशान कर रहे हैं, बुरी तरह से उधेड़ रहे हैं हाथों पैरों को। अब ये सामान जो है ट्यूबवेल में रख देते हैं, चाबी निकाल लेते हैं और फटाफट जो बाजरा काट लिया है दोस्तों वो इसमें डाल के चले चलते हैं। बहुत ज़्यादा अंधेरा एकदम से हो गया है, अभी मुझे थोड़ा सा बाजार दूसरी तरफ करने पड़े हैं, गाँव के नज़दीक कर देते हैं उन्हें खदेड़ के, तो फिर वो आराम से गाँव के पास में बैठे रहते हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं करते। दोस्तों बाजरा 2 बोझ बाजरा काट लिया है, एक ही जगह बांध दिया है, इसकी बरकत बहुत है इसमें। चले चलते हैं, ट्रैक्टर स्टार्ट कर लेते हैं। ओहो नो भी करेगा, चल तो भैया लाइट जला के माटे माटे चल। ओहो इतना भगेगा एकदम, गिरेगा मुझे। दोस्तों दिखाते हैं घर पहुंच के, चोट लेंगे। ओहो रुक नहीं रहा, चढ़ेगा सामान पे। चाबी निकालो वरना छोटी बच्ची गड़बड़ कर देंगे, ला 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 ला। भैया ये मूसले ना घिस जाएंगे, इन पर जरा सा तेल लगा दे, एक एक बूंद ना जोर से, ये तो मूसले घस जाएंगे हमारे। तो दोस्तों इसे जो है आके काटेंगे, पहले ऑर्डर लगाए एकदम से, खाना खा के आते हैं, आप भी आ जाओ खाना खा लो। तो दोस्तों वीडियो यहाँ तक कि आपको अच्छी लगी होगी, लाइक करें, शेयर करें, अपना प्यार और आशीर्वाद अपना साथ बनाए रखें। नमस्कार, जुड़े रहिए, चले चलते हैं।